ये लो भाई भाई, तुम्हारे भाई का माइक आ गया भाई, वायरलेस माइक है डिजिटेक का, बड़ा अच्छा माइक है भाई, पापा ने ला के दिया है। तो सबसे पहले तो मैं पापा को थैंक यू बोल लूँगा भाई। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, बोलो जय श्री राम, राम का नाम लेके सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दैट इज़ न्यू व्लॉग। भाई आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत है और जय जय श्री राम। भाई साहब व्लॉग की शुरुआत बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल फिट होके कर रहे हैं रेडी, और नाश्ता भी रेडी कर दिया आज तो मम्मी ने सुबह सुबह बिल्कुल। और नाश्ते में आज आलू के पराठे और ठंडी दही। आलू के पराठे के साथ दही का मज़ा अलग ही है भाई, ठंडी दही आलू का पराठा मौज कर देता है। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में तो आलू के पराठे और भी लटकाट दे भाई, टॉप मौज में। खैर नाश्ता करते हैं जल्दी से, अब मम्मी ने समरसेबिल खोल लिया भाई। पानी भर रही हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गौ माता की सेवा के लिए भाई ड्रम भरा जा रहा है गौ माता के लिए। सिद्धि आती है गौ माता, इस ड्रम में पीती है पानी। हमें तो एक जिम्मेदारी ये और निभानी पड़ रही भाई, गौ माता के लिए पेटेंट रखना पड़ रहा पानी, बिल्कुल ओके। सेवा का मौका मिल रहा है देखो भाई, बिल्कुल ओके करा जा रहा है, भर दो। लाइट भी अभी आई भाई, लाइट भी जा रखी थी। जल्दी से नाश्ता करके फिर आज का आपके लिए भाई एक अच्छा सा सरप्राइज है वीडियो के अंदर, ज़रूर देखना एंड तक वीडियो। आज बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ वीडियो में, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। एक चीज़ आई है बहुत प्यारी सी, पापा ने ला के दी है, दिखाऊँगा ज़रूर। आगे तक बने रहना वीडियो में, पूरा देखना भी लोग। जल्दी से नाश्ता कर लो। हाँ जी गाइज, तो कमरे में आ गए भाई, जैसे कि मैं बता रहा था भाई पापा एक चीज़ लाया है, तो दिखाने का वक्त आ गया। अब दिखाता हूँ मैं आपको क्या चीज़ लाए हैं पापा। भाई बस दिखा दूँ? चलो दिखाते हैं, बहुत टाइम हो गया। ए उठा लूँ, ये लो भाई। भाई आज तुम्हारे भाई का माइक आ गया भाई, वायरलेस माइक है डिजिटेक का, बड़ा अच्छा माइक है भाई, पापा ने ला के दिया है। तो सबसे पहले तो मैं पापा को थैंक यू बोल लूँगा भाई, वैसे तो बोला नहीं, वीडियो में बोल रहा हूँ पापा को थैंक यू पापा। तो आप भाई पापा ने सपोर्ट कर दिया थोड़ा सा, तो ये देखो भाई मेरे पुराने वाले माइक में आपने देखा हो, अगर आप दूसरे चैनल की वीडियो देखते हो उसमें दिक्कत हो रही थी थोड़ी भाई, आवाज़ झिरझिर करके आ रही थी और अच्छे से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था वो। तो पापा ने भाई ये वाला माइक ला के दिया है, और भाई दो चैम्बर वाला माइक है, टू चैम्बर, मतलब अगर इंटरव्यू वगैरह करने हो, जैसे आपने देखा होगा मेरे दूसरे चैनल पर मैं बातें करता हूँ इंटरव्यू लेता हूँ, तो अब दिक्कत नहीं होने की, अब दो चैम्बर वाला माइक है और इससे बात करेंगे, बढ़िया बात होगी। और वायरलेस माइक है, टॉप माइक है भाई, डिजिटेक का एक नंबर का। आज थोड़ा सा टेक्निकल व्लॉग भी हो जाएगा, अब इसकी अनबॉक्सिंग कर दें। मैंने भी अब तक नहीं की भाई अनबॉक्सिंग की, व्लॉग ही बनाऊंगा जब ये अनबॉक्सिंग करूंगा, तो व्लॉग बनाने के चक्कर में ही अब तक रख रखा था मैंने, खोला नहीं था। तो आज इसका नंबर आ गया, अब अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। आज टेक्निकल व्लॉग भी हो जाएगा भाई, थोड़ा सा टेक्निकल आज दिखाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या सामान आया, एसेसरीज क्या है इसके अंदर, सब कुछ खोलते हैं तो इसे, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, चलो भाई टेक्निकल गुरुजी के रहे, चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई करते हैं शुरू, इसे फ़ोन को लगाऊंगा भाई, स्टैंड पे लगा दूँ या यहीं कहाँ रखूँ, इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी भाई फ़ोन की, क्योंकि खोलना है तो एक हाथ से खोलना पड़ेगा और ये डिब्बा भी खोलना पड़ेगा, तो पूरा दिखा नहीं सकता एक हाथ से, इसे तो लगाना पड़ेगा। कहीं फ़ोन को सेट करेंगे फिर आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर आया है और क्या क्या है इसके अंदर और क्या क्या सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, ठीक है। चलो खोलते हैं, करता हूँ सेट फ़ोन को, अभी स्टैंड पे देखता हूँ करके। तो गाइज फ़ोन लगा लिया भाई रिंग लाइट पे स्टैंड पे, अब अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले मैं अपना छोटा सा सेटअप दिखा दूँ, ये है भाई मेरा सेटअप जिसमें मैं अपने चैनल की दूसरे चैनल की वीडियोस बनाता हूँ, जहाँ पे खड़ा होके बैठ के यहीं पे। और ये छोटा सा कंप्यूटर रखा है भाई, बहुत पुराना है मेरा, पहले आया था बहुत पहले, ये करीब 15-16 साल पहले पापा ने खरीद के दिया था बड़े भैया को, बड़े भाई को दिया था ये कंप्यूटर खरीद के, जब से ये है कंप्यूटर। अभी लिया नहीं, कुछ इतना खास काम नहीं है कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह का, इसलिए लिया नहीं है। जिस चीज़ की असेंशियल है, जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ लेते हैं पहले। अभी माइक की ज़रूरत थी, पापा ने पूरी कर दी भाई, अच्छा माइक ला के दे दिया, तो आज उसी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सेटअप कर लिया, फ़ोन वगैरह रिंग लाइट पे लगा के पूरे चांदने में अनबॉक्सिंग करूँगा। वैसे तो एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इतना टेक्निकल व्लॉग का, ना मेरा निश्चय टेक्निकल व्लॉग, ना मुझे फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ व्लॉग में, व्लॉग में फर्स्ट टाइम किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं, दिखाऊँगा पूरी पूरी एसेसरीज क्या क्या है, क्या क्या सामान आया है इसके अंदर और क्या क्या है, तो देख लेना भाई, हैं जरूर देखते रहना आखिरी तक, देखना वीडियो को पूरा। तो करते हैं शुरू, चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा डाउन करता हूँ फ़ोन को, पहले पूरा फोकस इस पे देंगे माइक पे, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा फ़ोन, क्योंकि पूरा
जो रोशनी है रिंग लाइट की और पूरा जो फोकस आए, मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ भाई, पीछे वाला तो कोई बनाने वाला था नहीं जिससे बैक कैमरे से बनाता, तो फ्रंट कैमरे से ही बना रहा हूँ। अब थोड़ा डाउन करके पूरा फोकस माइक पे डालते हैं जिसकी अनबॉक्सिंग करनी है, थोड़ा डाउन कर रहा हूँ कैमरे को, ठीक है भाई? तो चलिए भाई शुरू करते हैं। बोलो जय श्री राम। राम का नाम लेके सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं, ये इस टाइप से खुलता है भाई, मैग्नेटिक है ये थोड़ा सा, ये देखिए ये खुला बॉक्स। सबसे पहले खोलते हैं भाई, डिजिटल की ब्रांडिंग हो रही है अच्छी सी, ये ऊपर ही दिख रहा होगा आपको, डिजिटल ब्रांडिंग हो रही है। और फिर ये गद्दा सा है ऊपर, थर्माकोल सा लगा के दे रखा है, बढ़िया सा, क्या बात है भाई। इसे रखो साइड में, और इसके जस्ट नीचे है भाई माइक बॉक्स, इसके अंदर माइक है, ये है भाई माइक। अभी रुके, थोड़ा इंतज़ार करिए, पहले सारी एसेसरीज चेक करते हैं, कैटलॉग वगैरह एसेसरीज क्या है सब कुछ चेक करते हैं। तो पहले इसे तो साइड में रखता हूँ, इसके अंदर यह जो है, वैसे जो है इसके अंदर ही है, पर रुकिए अभी इसे थोड़ा सा बाद में चेक करेंगे, पहले और चीज़ देख लेते हैं। ये लो भाई, पहले तो कैटलॉग है, ये ऐप इंस्टॉलेशन और ये यूज़र गाइड वगैरह स्टेप्स ये रखे हैं इसके अंदर। इसे तो कोई फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी रखो साइड में। और ये एक और कैटलॉग दे रखी है, इसमें दे रखा है सारा कि कैसे यूज़ होगा, क्या कितने दो चैम्बर हैं, एक रिसीवर है, ये पूरा दे रखा है, कितने घंटे चार्जिंग होगी, कैसे यूज़ होगा, कैसे प्लग इन करना है, कैसे प्लग आउट करना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। मतलब जो यूज़ करने का सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, कैसे यूज़ करना है वो इसके अंदर है, इसे भी रखो साइड में। और ये है थोड़ा, ये देख लो भाई, ये है बॉक्स, इसके अंदर है एसेसरीज, बड़ी अच्छी सी ब्रांडिंग है, डिजिटेक की दिख रहा होगा आप सबको, ये रहा इसके अंदर है भाई एसेसरीज। अब इसको ओपन करते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ओपन का अभी कर रहा हूँ भाई, अभी कर रहा हूँ, देख लो आपके सामने, खोल के नहीं देखा, सच में बता रहा हूँ। ये लो भाई, क्या बात है, बेहतरीन। अब ऊपर कर लो थोड़ा सा कैमरा, ऊपर करके करेंगे अब बात, क्या बात है भाई। इसके अंदर निकला है छोटा सा बैग डिजिटेक की ब्रांडिंग के साथ, बड़ा प्यारा सा है। और ये भाई बड़े अच्छे से कपड़े हुए, मुलायम से, मैं सिल्की सा अच्छा सा है, कपड़ा बता देना कमेंट करके जिसको पता हो कौन सा है। बढ़िया सा बैग है भाई, अच्छा सा टॉप सा, ये इसलिए है भाई क्योंकि कहीं पे जाना हो तो हर जगह बॉक्स तो कैरी करने के नहीं, बॉक्स तो लेके जाने के नहीं, पूरा माइक का बॉक्स कैसे ले जाएंगे, तो बैग के अंदर रखो इसके और बैग में लेके जाओ, ठीक है। अब इसके अंदर देखता हूँ क्या है, सबसे पहले तो भाई ये निकला, एक और है, हाँ एक और है, ये निकला भाई माइक के कवर, जो माइक के ऊपर कवर होते हैं, सबसे पहले ये खोल के दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है। माइक के ऊपर कवर नहीं लगते, ये बड़ा स्मूथ सा है भाई, बेहतरीन सा। मैं भी सोच रहा था भाई वो तो निकले नहीं, मैं भी देख रहा था कि ये तो निकले नहीं, खैर ये इसके अंदर थे, क्या बात है भाई। ये माइक को जो रिजोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं भाई, माइक के ऊपर लगते हैं, रिजोल्यूशन कंट्रोल भी करते हैं, और डस्ट वगैरह ना जाए माइक के अंदर, जिससे वगैरह धूल वगैरह ना भरे, उसमें भी कंट्रोल यही करते हैं। ये ऊपर लगाए जाते हैं माइक के, बिल्कुल यही पूरा काम करते हैं भाई सारा, क्या बात है भाई। ये दो दे रखे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, राइट वाला माइक और लेफ्ट वाला माइक दोनों में यूज़ होंगे। ये रहे भाई दो है, एक तो ये निकली है सीरीज में। अब चलो आगे दिखाता हूँ क्या है, इसको बंद करो, अभी इसका काम नहीं है, इसको रखते हैं अंदर, ऐसे ही गंदा क्यों करना, अभी जब यूज़ करेंगे जब ही लगाएंगे, या नहीं इसे रखो साइड में। और क्या क्या है इसके अंदर बैग के, बस एक ये निकला भाई चार्जर केबल, सी टाइप केबल है चार्जर, अडेप्टर है नहीं, अडेप्टर तो अब देते ही नहीं भाई कोई भी, अडेप्टर वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं, हमारे पास हमारे फ़ोन का सैमसंग का ऑलरेडी है हमारे पास अडेप्टर, उससे चार्ज हो जाएगा। ये सी केबल दिया है उन्होंने, सी टाइप केबल, इससे चार्ज होगा माइक, है ना, क्या बात है भाई। ये केबल निकला, दो एसेसरीज है बस, एक तो उसके कवर है माइक के, और ये है सी टाइप केबल। चलो भाई ये तो ही भाई एसेसरीज की बात, अब आता है भाई माइक का नंबर, इसके अंदर है बॉक्स, खोल लें करें शुरू, चलो ले भाई। ये लो भाई, भाई माइक खुल गया, ये रहा, डिजिटेक की अच्छी सी ब्रांडिंग है, बहुत प्यारी सी, क्या बात है। और बड़ा अच्छा सा मुलायम सा भाई बॉक्स है, बड़ा बढ़िया सा, ये मटेरियल मुझे नहीं पता ये कौन सा मटेरियल है, बड़ा अच्छी सी ब्रांडिंग है भाई, बड़ा अच्छा बॉक्स है, प्यारा सा। अगर आपने देखे हो भाई बोट वगैरह के एयरबड्स नहीं आते, उस तरीके का बॉक्स है, चार्जिंग ऑटोमेटिक होती है इसके अंदर, माइक लगे रहते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, ये देखो भाई ये हो गया ओपन, दोनों साइड ये माइक लगे हैं, और ये रिसीवर है, ये दो चैम्बर हैं इसके, ये रे एक ये माइक है एक ये है, ठीक है, और ये है इसका रिसीविंग जो कि फ़ोन के अंदर लगेगा। ये सी टाइप है और ये आईफोन है, आईफोन में जो लगता है,
ये सी टाइप मतलब किसी एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकते हो और ये आईफोन में यूज़ करता है, दोनों केबल दे रखी है, दोनों में यूज़ होगा, आईफोन में भी और एंड्रॉयड में भी दोनों में यूज़ होगा ये। और हाँ एक और बात बता दूँ भाई, ये सिर्फ फ़ोन के लिए है ये वाला माइक, वो कैमरे वाला माइक अलग आता है, कैमरे के लिए अलग कनेक्टर दिया जाएगा, ये सिर्फ फ़ोन के लिए है, फ़ोन में यूज़ होता है, फ़ोन कनेक्टर है, ये सी टाइप कनेक्टर है और ये आईफोन कनेक्टर है, ये फ़ोन के लिए यूज़ होगा, एक साइड से आईफोन है और एक साइड से सी टाइप है, ठीक है ओके। चलो भाई अब बात कर लेते हैं माइक की, ये कनेक्टर दिखाया, अब ये है भाई दोनों माइक, एक ये रहा, दो चैम्बर्स हैं। अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, पहले ये देखो भाई ब्लिंक कर रही है ब्लू लाइट, अगर दिख रहा होगा ध्यान से देखो, ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, और जब ये रेडी हो जाता है चल जाता है, मैंने कैटलॉग में पढ़ा है, अगर ये रेडी हो जाता है तो कंटिन्यू ग्रीन लाइट जलती है इसके अंदर, कंटिन्यू ग्रीन लाइट रहती है, जब ये कनेक्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा, मतलब कनेक्टेड हो जाएगा फ़ोन के अंदर, तब ग्रीन लाइट कंटिन्यू हो जाएगी, अभी ब्लिंक करता रहेगा ब्लू लाइट ऐसे कंटिन्यू, देख रहे हो दिख रहा होगा अभी ब्लू लाइट कर रहा है ब्लिंक, ठीक है भाई। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो, अभी इसको हम यूज़ करके देखेंगे, अभी मैं क्लिप रिकॉर्ड करता हूँ इससे, है ना, अभी यूज़ करके देखते हैं इसको जस्ट, अभी आप बताना कैसा लगेगा इसकी क्लिप, इसकी ऑडियो क्वालिटी और इसकी वीडियो क्वालिटी दोनों बताना कमेंट करके ज़रूर, अभी इसको कनेक्ट करते हैं, चलो भाई ठीक है, फेर लो एक बार सारे सामान पे, ये देखो भाई ये था टोटली, ये सब खुला रखा है अभी, ये लो भाई दो माइक एक कनेक्टर, ये बॉक्स है इसका प्यारा सा, और बॉक्स भाई इसलिए ये कवर इसलिए दिया जाता है, इसका बैग ऐसे रखो बॉक्स में, बॉक्स ऐसे रखो इसके अंदर कवर, और ऐसे बंद कर दो और सीधा लेके जहाँ भी जाना हो इसके अंदर जाओ, हर जगह भाई कैरी नहीं कर सकते बॉक्स, जैसे ही बता रहा था मैं, इसको अंदर रखो आराम से, और भाई अगर ऐसे भी रखोगे तो बॉक्स मान के चलो अगर बैग में ऐसे भी रख लिया तो ख़राब हो जाएगा, इतना प्यारा मटेरियल है ये, इसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएगा ये, इधर उधर लग लगा के इधर ख़त्म ही हो जाएगा, तो इस वजह से बैग जाए बड़ा प्यारा सा अच्छा सा, ये देखो भाई ऐसे रखो इसके अंदर, बैग के अंदर डाल लो और चलो जहाँ चल रहा है काम करके आओ फुर्ती से, ओके भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही प्यारा, आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जैसे भी लगाओ अच्छा ही नहीं जैसे भी लगाओ बताना ज़रूर कमेंट करके, अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ इससे कनेक्ट करके क्लिप, और क्लिप भी बताना कैसी लगेगी, ठीक है चलो भाई रिकॉर्ड करते हैं इसको। तो गाइज एक दिक्कत हो गई भाई, भाई मैं कनेक्ट कर रहा था इसको अपने फ़ोन से, भाई कनेक्ट ही नहीं हुआ है, अब मैंने कैटलॉग में पढ़ा है अगर किसी एंड्रॉयड फ़ोन में ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आईफोन में तो कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आईफोन में तो ऐसे ही अपग्रेडेड वर्जन है आईफोन, तो उसमें तो लगते ही हो जाता है भाई ये कनेक्ट, अगर एंड्रॉयड में किसी में कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए एक ओपन कैमरा ऐप आता है जिसमें एक्सटर्नल माइक यूज़ करने का ऑप्शन होता है, तो उसे डाउनलोड करना पड़ेगा तब कनेक्ट होगा, तो मैं अगली वीडियो ओपन कैमरा ऐप से ही बनाऊंगा, बता देना भाई कि कैसी क्वालिटी आ रही है ओपन कैमरा की और कैसी माइक की क्वालिटी आ रही है आवाज़ की, तो ज़रूर 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 कमेंट करके बताना भाई ज़रूर से कि कैसी क्वालिटी आ रही है वीडियो की और माइक की। अब मैं अगली वीडियो जो है वो ओपन कैमरा ऐप से ही करूँगा, क्योंकि मेरे मेन कैमरे से तो ये अटैच नहीं हो रहा भाई, मेन कैमरे से तो कनेक्ट नहीं हो रहा, मोबाइल का जो कैमरा है ये तो मोबाइल वाले कैमरे की वीडियो है जो बना रहा हूँ, अगली क्लिप जो है वो ओपन कैमरे की आएगी, उसमें ज़रूर बता देना कमेंट करके कैसी क्वालिटी है, कैसी माइक की है, कैसी वीडियो की क्वालिटी है, ठीक है भाई। अभी कनेक्ट करते हैं इसको, डाउनलोड करके जल्दी से बता देना मुझे ज़रूर, हैं चलो यूज़ करके देखते हैं भाई ओपन कैमरा भी कैसी क्वालिटी आएगी, पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा तो आपके हाथ में है, आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। लो भाई भाई ये कर लिया कनेक्ट, अब ओपन कैमरे से चल रहा है, बताना मुझे ज़रूर कैसी क्वालिटी आ रही है इसकी, ये माइक भी कनेक्ट कर लिया, ये रहा ग्रीन लाइट दिखा रहा है कंटिन्यू, अब कनेक्टेड है और आवाज़ भी इसी से आ रही है, और ओपन कैमरे की क्वालिटी भी है, पिक्चर क्वालिटी भी ओपन कैमरे से आ रही है, बता देना कमेंट करें कि कैसी क्लिप है कैसी क्वालिटी रही। अभी रिंग लाइट जल्दी है सामने, एक बार इसको बंद करके चेक करता हूँ अलग जाके थोड़ा सा कि कैसी क्वालिटी आएगी इसकी ओपन कैमरे की, इसमें अब बताना भाई कैसी आ रही है लाइट में, तो मेरे हिसाब से ठीक थी, अब थोड़ी सी डिम सी हो रही है लाइट, थोड़ा सा धुंधला मुझे भी चमक रहा है, बाकी तो आप बताना कैसा आ रहा है आवाज़ भी और पिक्चर क्वालिटी भी ओपन कैमरे की, अगर आप लोग कहोगे तो कंटिन्यू बनाएंगे इससे, फिर नहीं तो फिर करेंगे कुछ भी जुगाड़ करेंगे कैसे भी तो करेंगे ज़रूर, वैसे बता देना आप कमेंट करके कैसी आ रही है आवाज़ की भी और कैसी, हेलो 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 हेलो, ठीक है ओके बताना पिक्चर क्वालिटी और सब कुछ, ठीक है भैया चलो। गाइस आज का अनबॉक्सिंग हुआ कंप्लीट, आपको वीडियो क्वालिटी भी दिखा दी और माइक भी दिखा दिया, अब बस आपको ये करना है भाई कमेंट करके ज़रूर बताना है कि माइक कैसा लगा और वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, आपको ज़रूर बताना है,
मेरे लिए जरूर बता देना भाई, जिससे मुझे पता लग जाए कि कैसा चल रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो भी यही ऐड करते हैं भाई, व्लॉग नहीं बना रहे, आज का व्लॉग टेक्निकल व्लॉग ही था, आज का अनबॉक्सिंग व्लॉग ही था भाई खासकर। तो मैं जैसा भी बनाया टेक्निकल व्लॉग, फर्स्ट टाइम बनाया है, जैसा भी लगा जरूर बताना आप भी कमेंट करके व्लॉग भी कैसा लगा। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें भाई चैनल को। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।